डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप बताओ कि यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है, ये बताओ क्या चीज़ का लोगो? तो कहोगे जी ये तो डॉक्टर का है, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर इसकी लोगो लगा रहता है ना? कितना आसान है, आपने तो बता दिया। आप देखो, ये तो ये भी ये वाला जो है ये फर्स्ट एड के बॉक्स पे रहता है, और बाकी जहाँ पे भी हॉस्पिटल होगा ना, तो यहाँ पे एच बना रहता है। और ये हॉस्पिटल में मेडिकल क्लिनिक की ये जो सिंबल्स होता है, इसको क्या कहते हैं? सिंबल्स बोलते हैं क्या? सिंबल्स, ठीक है। अब ये भी सिंबल्स है, ये है ना, ये सांप है यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये क्या है, ये वाइट कलर का होता है, और ये ऊपर से ये त्रिशूल की तरह ये यहाँ पे है। तो ये सांप को ये कर रहा, सांप को काटता है ना, तो इसको मार रहा है। तो ये वाला क्या है? शांति का। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो वो हम बाद में जानेंगे। चलिए हम एक एक करके जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में सीखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, आप सभी कोई इसे देखकर आप तो डर गए होंगे, क्योंकि डरना ही चाहिए, क्योंकि मेडिकल से सभी को डर लगता है, हॉस्पिटल जाने में सभी को डर लगता है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, और बच्चे तो खैर पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये हमें इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन लगा देंगे, तो वो पहले ही डर जाते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ तो ये नकली है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसका काम इंजेक्शन देना नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए ये इसका काम क्या, पहले तो आपको बता दूं, इसका नाम पहले देख लीजिए, इसका नाम क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? स्टेथोस्कोप, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये वाला कान में लगाया जाता है, और ये वाला भी कान में लगाया जाता है, और ये आपको चेस्ट पे या फिर बैक साइड में या फिर कमर, जो जो बैक बोन होता है कमर के ऊपर, चेस्ट में इसको सटाया जाता है, या फिर आपके हाथ में सटाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, डॉक्टर क्या चेक करते हैं इसे आपके बॉडी में टच करके? तो डॉक्टर ये देखते हैं क्या कि आपके हार्ट क्या, हाँ क्या, हार्ट, हार्ट क्या है, ये जो हार्ट है, जो लंग्स है, और जो आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो आंत है, इनकी में कुछ साउंड्स होती है। कैसे साउंड होती है? जैसे आप अपने हाथ है ना ऐसे चेस्ट पर, छाती पे, चेस्ट पे ऐसे रख के देखो ना, देखना कुछ धड़कन सी ऐसे ऐसे मतलब कि कुछ साउंड होता है वहां पे, आपको फीलिंग मतलब महसूस होगा। तो उसी साउंड को, यानी कि हार्ट के, जो हार्ट है, हार्ट के साउंड, लंग्स यानी फेफड़े के साउंड, और इंटेस्टाइन के साउंड को डॉक्टर्स मेजर करते हैं, मतलब कि सुनते हैं कि हाँ ये ठीक प्रकार की इसकी साउंड चल रही है। फिर यही नहीं, अगर कोई भी बॉडी में या फिर गड़बड़ी होती है, यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर आपका सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा होता, तो डॉक्टर को इसी स्टेथोस्कोप से पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है या लंग सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये डॉक्टर इसको लगाते हैं। ऐसे आम भाषा में जैसे हिंदी में बोल देते हैं इसको आला, क्या बोल देते हैं? आला, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है प्यारे दोस्त, ठीक है डियर फ्रेंड। अब देखो यहाँ क्या है, कैन बी यूज टू लिसन टू द साउंड मेड बाय द हार्ट। जो हार्ट के साउंड होता है, जो लंग्स के साउंड होता है, और जो इंटेस्टाइन की साउंड होती है, इसकी साउंड को सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन इस्तेमाल करता है? तो ये डॉक्टर इस्तेमाल करता है इस चीज़ का, और वो आपके शरीर का जो हार्ट है, लंग्स है, उसकी साउंड को सुनने के लिए। तो ऐसे क्या नहीं सुन सकते? ऐसे नहीं सुन सकते आप, है ना, ऐसे हाथ रखो अपने चेस्ट पर, आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है जी। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसका खोज किसने किया? देखो, इट वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच, यानी कि फ्रांस के जो थे फिजिशियन RTH लैनिक, उन्होंने इसकी खोज किया था, यानी डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। ये तो सबको आप जानते ही होंगे, ये इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है? देखो ये क्या है, थर्मामीटर है। क्या है? थर्मोमीटर। क्या कहते हैं इसको? थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। अब देखो ये जो अभी के बच्चे हैं, उन्होंने तो ये थर्मोमीटर देखा नहीं होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि आज के टाइम में तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, हो भी क्यों ना, क्यों? क्योंकि इसको जब लगाते थे ना, तो ऐसे मतलब कि हाथ के यहाँ पे जो कांखों में इसको ऐसे लगा दिया जाता, ये वाला पार्ट को यहाँ पे सटा दिया जाता था, कुछ देर के बाद, यानी कि 2-3 मिनट के बाद इसको निकाला जाता था, ठीक
ठीक है, तो इसमें टाइम लगता था, इसलिए थोड़े थोड़े क्या हो गए, अब डिजिटल आ गए। तो यहाँ पे देखो एक एक करके तीनों के बारे में सीखते हैं, समझते हैं कैसे काम करता है ये थर्मामीटर। तो देखो सबसे पहले थर्मामीटर की बात करते हैं, तो पुराने काल में यानी कि पहले के ज़माने में, यानी कि वो पहले भी नहीं है, 1990, 95, 2000 की बात करें ईस्वी की, तो ये वाला थर्मामीटर चलता था। अब ये काम कैसे करता है देखो, ये यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये मेटल का लगा हुआ है, यानी कि धातु का लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहेंगे, ये है मरकरी है, क्या है ये, पारा है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। तो अगर ये टेम्परेचर यहाँ पे जैसे बढ़ेगा, तो ये वाला क्या होता है कि धीरे धीरे ये वाला यहाँ पे बढ़ता जाता है, यानी कि ये वाला पारा जो है ना, ये जो पारा आप देख पा रहे होंगे, ये पारा यहाँ से मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है। ये जो आप पारा देख रहे हैं, ये पारा यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, ये वाला पारा यहाँ से बढ़ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो बढ़ते 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 यहाँ ऐसे आ जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे ऐसे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ से देखो ये वाला कितना है, 40 है, ये है 36 है, यहाँ पे 37 है, ठीक है। 37 के बाद यहाँ पे देखो क्या है, ये 37 है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ऊपर वाला यहाँ पे 35 है, ऊपर 36 है, नीचे 37 है, इस तरह करके यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। जो एवरेज यानी जो टेम्परेचर है बॉडी की, वो है मतलब कि 30 डिग्री, यानी 37 डिग्री सेल्सियस इतना होना चाहिए। और अगर इससे ऊपर जाता है, इससे ऊपर जाता है, तो वो हमारा क्या होता है कि फीवर हाई हो जाता है। ये क्या जाता है, ये मरकरी यानी कि पारा ही चढ़ जाता है ऊपर, यहाँ पे ऐसे जैसे वो हीट होता है जो चढ़ जाता है। अगर यहाँ तक है यानी कि इस यहाँ पे 37 डिग्री टेम्परेचर तक है, तो हमारा ये नॉर्मल है, ठीक है। और अगर इससे थोड़ा ज़्यादा हुआ यानी यहाँ से यहाँ तक, तो वो फिर क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा, यानी कि आपको इसका मतलब है फीवर है। फिर क्या करता है, इसको यहाँ से निकाल लेते थे, तो पहले तो इसको है ना मुंह में डाल के चेक करा करते थे, तो लोगों को संक्रमण बढ़ने लगा इससे। तो लोगों ने सोचा, मतलब कि साइंटिस्ट ने सोचा, डॉक्टर्स ने सोचा, क्यों नहीं ऐसे डिवाइस का यूज़ किया जाए जो कि बिना मतलब कि तुरंत ही, मतलब इसमें तो 2-3 मिनट, कभी कभी 5-6 मिनट का टाइम लग जाता था, है ना। तो इसलिए क्या करा डॉक्टर ने, इसको डिजिटल बनाया, डिजिटल। ये भी थर्मामीटर ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपके यहाँ पे कांख में या फिर मुंह में इसको डाल के रखा जाता था कम से कम 5-6 मिनट, तो डॉक्टर को ज़्यादा समय लगता था, इसलिए अब आ गया डिजिटल। तो डिजिटल में क्या है कि बस आप यूँ लगाओ कुछ ही, मतलब 1-2 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में आपका यहाँ पे ये टेम्परेचर ये काउंट कर लेता है। कितना काउंट कर लेता है, यहाँ पे जैसे ये वाला, इसको कहते हैं पावर बटन, इसको क्या कहते हैं, पावर बटन, यानी ये पावर बटन है, क्या है, पावर बटन है, ठीक है। तो अब इसको ऑन करते ही यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका रीडिंग शुरू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 30 क्या लिखा हुआ है, 37 डिग्री अगर टेम्परेचर रहेगा, तो आपका नॉर्मल है, आपका फीवर नहीं है, आपको बुखार नहीं है। तो इसमें भी कुछ टाइम लग रहा था, अब देखो अब अभी के टाइम पे ऐसे आ गया है, आप देख रहे हो ना, कोरोना कहते पहले कि जब भी जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था, उसमें इस वाले से मशीन से चेक करते थे भाई फीवर है कि नहीं है, लोग समझते थे कि इससे है ना कोरोना चेक हो रहा है, लेकिन इससे कोरोना चेक नहीं होता है, इससे फीवर चेक होता है, इससे टेम्परेचर चेक होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है और कितना नहीं है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप देखो ये जो यहाँ पे आपको टेम्परेचर आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए 103 है। तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं, अभी हमने तो यहाँ पे सीख लिया कि पारा है इस वाले में, और पारा जैसे ऊपर चढ़ता है तो फीवर हाई हो जाता है। तो इस वाले डिजिटल थर्मामीटर से हम चेक बताते, मतलब हम सीखते हैं कि क्या रीडिंग बताता है। देखो जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है थर्मामीटर का, हमारे बॉडी का जो ये थर्मामीटर रीड करता है, वो 98.6 है। जो ये 98.6 है ना, ये 98.6 ये फ़ारेनहाइट बताता है, क्या बताता है, फ़ारेनहाइट। अब ये फ़ारेनहाइट क्या है, एक्चुअली फ़ारेनहाइट यानी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने ही ये थर्मामीटर का खोज किया था, ठीक है। इसलिए ये एप यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में बात करें, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। इसलिए इस मशीन में अगर ग्रीन में आपका ये वाला यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे, यानी 98.6 दिखाई दे, तो इसका मतलब कि आपका शरीर में कोई भी टेम्परेचर, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर है, आपके बुखार नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अगर 98.4 दिखाई दे तो इसका मतलब है कि हल्का सा आपका बॉडी जो है टेम्परेचर हाई है। अब ये टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्परेचर का मतलब होता है गर्म, मतलब मान लो कि कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ सामान या फिर आप गर्म दूध पीते हो तो कितना बॉडी मतलब उसमें गर्म हो जाता है, या फिर ऐसे ही आप कोई ना गर्म पानी पी लेना या फिर गर्म दूध एक गिलास पी लेना, आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, किससे 98.6 से, ठीक है। तो 99.4 हो गया तो कोई ज़्यादा नहीं, ये ऑरेंज है वो उससे कोई फ़र्क नहीं, मतलब कि ज़्यादा ये आपका टेम्परेचर नहीं है, बस इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही 98 से, यहाँ 98 है और ये आपका टेम्परेचर हो गया 105, तो ये फिर हाई यानी कि ये रेड लाइट आपको शो करने लग गया, और जैसे रेड लगा तो आपका यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार है। अगर 103 भी है तो बहुत ज़्यादा फीवर है, और 105 भी है तो बहुत ज़्यादा फीवर है। अच्छा, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ये आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है, तो नॉर्मल कितना है 98.6 होना चाहिए, और अगर इससे कम है तो भी दिक्कत है, और इससे ज़्यादा भी है तो भी दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब अगला इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, ये आप लोग देख के तो समझ ही गए होंगे क्या है, इसको पहले देखते हैं कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। देखो अब के टाइम पे तो मतलब पहले के टाइम पे ऐसा यूज़ किया करते थे ज़्यादातर हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स, उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो गया यानी कि इस वाले से इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब का टाइम ऐसा आया ये डिजिटल आ गया है, ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं कैसे इसका यूज़ किया जाता है। पहले नंबर इसका हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इस वाले को क्या करते हैं, ये वाला जो आप देख पा रहेंगे इसको हाथ में ऐसे ऐसे यहाँ पे जो बांधा हुआ है ऐसे इसको लपेट देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इस वाले को हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है। और ये हाथ ये वाला पेशेंट जो रोगी होता है जो मरीज होता है उसके हाथ में बांधा जाता है लगाया जाता है, और ये इससे डॉक्टर क्या करते हैं इसको पंप करते हैं, इसको नहीं इसको दबाते हैं, जैसे दबाते हैं तो ये हवा भर जाता है, अब फिर वो क्या होता है कि हाथ में ये पूरा मतलब कि दब जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से ये वाला जो मीटर है यहाँ ये जो नंबर लिखा रहता है ये ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, यहाँ पे जब आ जाता है यहाँ पे देखिए क्या है 120 है, ये क्या है 120 यानी कि 120 बटे में 80, ये 80 आ जाता है नॉर्मल यहाँ पे आके फिक्स हो जाता है, तो इसका मतलब डॉक्टर समझ लेते हैं कि इनका मतलब इसका क्या है बीपी सही है। अब ये बीपी क्या है, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है अभी हम आगे सीखेंगे, सबसे पहले आपको तो मैंने ये बता दिया इसका यूज कैसे किया जाता है, मतलब इसको हाथ में लगाया जाता है, यहाँ से इसको दबाया जाता है पंप किया जाता है, और यहाँ से धीरे 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 जैसे आप वहाँ पे पारा देखे थे इस वाले में अभी थर्मामीटर में जो बताया था मैंने ये पारा बढ़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये वाला इंक्रीज होता रहता है और ऊपर में, तो 120 नहीं है ये 120 है, अगर 120 बटे में 80 आए तो ये क्या है आपका नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे ज़्यादा हो गया, इसमें पता नहीं चल रहा था पारा से, उसके बाद यहाँ आप आ गया मीटर में, मीटर में तो एग्जैक्ट यहाँ शो करेगा, तो यहाँ से जीरे जैसे ये हाथ में लगा दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे दबाएगा पंप करेगा, जैसे ये पंप करेगा तो यहाँ पे ये मीटर में शो होने लगेगा, क्या शो होने लगेगा कि बीपी उसका कितना है प्रेशर कितना है, ठीक है। अच्छा आगे मैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी में बात कर लेता हूँ कि ये बीपी इससे चेक होता है, यानी कि ये देखो क्या है, इसको जरा पढ़ते हैं जो बीपी चेक करते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो नाम देखो क्या लिखा है SPHYGMOMANOMETER, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या है स्पैग्मोमैनोमीटर दो तीन बार आप बोलो तो आपको याद हो जाएगा, स्पैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है PHY जो है ये साइलेंट है, स्पैग्मोमैनोमीटर इसका है, ठीक है। अब ये क्या चेक करता है, ये बीपी चेक करता है, क्या चेक करता है बीपी। अब यहाँ पे बीपी चेक करता है तो आप बताओ बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीपी का फुल फॉर्म अभी अभी मैंने बताया है, इस बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ क्या होता है, आप ध्यान से सुनो। देखो आप है ना नलके में क्या करो, नलके में एक पाइप लगा दो, है ना, जोर से मतलब पाइप लगा दो उसको बांध दो एकदम टाइटली करके, और फिर वहां से नलका खोल दो, और फिर आप क्या करो कि मतलब कि पानी आप गमले में दो या फिर सिंचाई करो, लेकिन आपका भाई आया या कोई मतलब कि आपका दोस्त आया और पाइप को दबा दिया, कहाँ पे, आप उधर पटवन कर रहे थे सिंचाई कर रहे थे और आपका भाई आया और उस पाइप को यूं दबा दिया,
जैसे पाइप को दबा दिया, जैसे पाइप को दबा दिया तो आपके वहां जहां सिंचाई कर रहे थे वहां तो पानी आएगा ही नहीं। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वहां से जहां से वो लड़का या आपका दोस्त वहां पे पाइप को दबाया था, प्रेस किया था, वहां से ब्लास्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो पानी वहीं से निकलने लग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे शरीर में क्या होता है कि जो खून है, जो ब्लड है ना, वो सर्कुलेट होता है, यानी पूरे शरीर में जाता है। तो जिस तरीके से पानी जितना स्पीड में जाता है, उसी तरीके से जैसे आपके जैसे नलके खोलते तो पानी कितना स्पीड से आता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, उतना ही स्पीड से एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, यानी पूरे शरीर में वो जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर जाता है, फिर आता है, तो उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये, इसको यहाँ पे इमेज के द्वारा हम समझते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो ये है, अब है क्या कि यहाँ पे जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे ये हाथ है, इस हाथ में इसको ऐसे लगा दिया गया है और ये मशीन में लगा दिया। ठीक है, अब जैसे लगा दिया तो यहाँ पे देखो कुछ मीटर यहाँ दिख रहा था। अभी हमने जो वहाँ पे थर्मामीटर में देखा था, जो अभी बुखार चेक कर रहे थे, फीवर चेक कर रहा था, वहाँ पे हमने ये देखा था क्या कि 98.6 होना चाहिए फ़ारेनहाइट में, और नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अब यहाँ पे देखो क्या है, ये ब्लड प्रेशर है, और वो क्या था हमारा, वो था हमारा बीपी। अब यह वो हमारा था जो टेम्परेचर था, बॉडी का टेम्परेचर, वो था हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना था, बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट में। देखो बॉडी का टेम्परेचर मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना है 98.6 किस में, फ़ारेनहाइट में, और अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला वो वाला मशीन तो बॉडी का टेम्परेचर बता रहा था, वो वाला मशीन क्या था, बॉडी का टेम्परेचर बता रहा था, लेकिन ये क्या बताता है, ये देखो यहाँ पे देखो, आप इस मीटर में सबसे पहले मीटर में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे देखो ये बता रहा है 99 SYS, फिर 62 DIA, 81 FUL। अब ये तीनों चीज क्या है, ये तीन चीज ये रीडिंग करता है, यानी तीन चीज ये मीटर बताता है आपको क्या क्या, पहले 99, 62, 81। ये जो 99 है ना, ये 99 ये है सिस्टोलिक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, SYSTOLIC, सिस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक, और ये क्या है, इसको कहते हैं डिस्टोलिक, क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। ये सिस्टोलिक है, डिस्टोलिक है, और ये कहते हैं पल्स रेट, क्या है, ये है पल्स और ये है रेट। अब ये तीन चीज ये मीटर बताते हैं, ये तीन चीजें ये मीटर बताते हैं। अब बताओ क्या, ये तीन चीज हमने देख लिया, सिस्टोलिक, डिस्टोलिक, पल्स रेट। अब ये तीनों क्या होता है वो बारी बारी से हम सीखते हैं, समझते हैं। देखो ये जो सिस्टोलिक है ना, ये सिस्टोलिक क्या होता है, अब देखो यहां से, यहां पे देखो ये क्या है, यहां से ये जो व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ये क्या है, यहां पे ये व्यक्ति खड़ा है। अब यहां पे देखो क्या है कि यहां से जो ये ब्लड है, यहां लाल लाल दिखाई दे रहा होगा, यहां से ये ग्रीन ग्रीन मतलब कि थोड़ा ब्लू दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, तो इस जो हमारा ये हार्ट है, इस यहाँ से हार्ट ब्लड पंप होने के बाद ये यहां से ऐसे यहाँ पे पूरे शरीर में जाता है, कहाँ जाता है, ये पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में जाता है। तो जैसे यहां गया तो जब जाएगा तो फिर वापस आएगा भी, तो जो यहां से हार्ट से लेकर के पूरे शरीर में जो खून जाने की प्रक्रिया है, यानी कि यहां से जो ब्लड, मैं फिर से आपको चित्र में बता रहा हूं, देखो यहां से ब्लड निकलना शुरू हुआ, यहां से ब्लड ब्लड जा रहा है फिर जा रहा है, फिर ब्लड गया, फिर गया। ठीक है, तो यहां से जब ब्लड चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे चलना किया, यहां तक आ गया, तो अब फिर यहां से ब्लड मुड़ेगा, उंगली में आएगा, उंगली से जाके फिर यहां ब्लड मुड़ेगा, फिर मुड़ेगा, फिर जाके यहां पे चला जाएगा, अब फिर यहां प्योरीफाई होगा, फिर यहां इसके सारे आएगा, यानी कि ऐसे ब्लड आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर जाके यहां आएगा, फिर यहां पे वापस जाएगा, यानी कि ये ब्लड आया और ये ब्लड गया। तो जो ब्लड वहां से आया, ठीक है, मतलब कि हाथों तक आया, पैरों तक गया, तो उसी रेट को कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं। और जो फिर वापिस दोबारा जाके वहीं पे जो अनप्योरीफाई हुआ, प्योरीफाई जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जाके सर्कुलेट हुआ, और फिर वो ब्लड जाके फिर दोबारा यहां से हाथ जैसे मतलब उंगली तक आया, उसके बाद फिर वापिस मुड़ गया। अब उंगली तो बाहर, ऐसा है तो नहीं कि उंगली के बाहर चला जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, मुड़ेगा,
ठीक है। तो जैसे यहां से ये मुड़ेगा, तो जैसे ये मुड़ेगा तो यहां पे फिर दोबारा जाएगा कहां पे, हार्ट में, ठीक है। तो जो ब्लड मतलब कि हार्ट से आता है यहां से, यानी आ रहा है, यानी हार्ट से आ रहा है, पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। इसका रेट कितना होना चाहिए? इसका रेट होना चाहिए 120, यानी इसका रेट होना चाहिए 120। और जाने की प्रक्रिया यानी कि हर पूरे शरीर में जब पहुंच गया तो उसका रेट होना चाहिए 80। समझ में आ गया आपको? अगर समझ नहीं आया तो दोबारा आप समझो। आप मान लो यहां से आप स्कूल जाना है, आप जब जा रहे हो ना स्कूल के टाइम पे जाते समय लेट हो जाते हो, तो भाग के जाते हो, यानी कि जल्दी जल्दी जाते हो। आप क्या करते हो? जल्दी जल्दी जाते हो। तो जब आप जाते हो ना उसको कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं उसको? सिस्टोलिक। उसको कहते हैं सिस्टोलिक। और जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है, मतलब आप स्कूल की तो पढ़ाई खत्म होगी, छुट्टी हो गया तो घर ही आओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में घूमने लग जाओगे, घर ही आओगे, फिर दोबारा घर आओगे, फिर कल जाओगे स्कूल, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, यानी आना जाना लगा रहेगा। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है, उस खूनों का, ब्लड का मतलब पूरे शरीर में आना जाना लगा रहता है। तो जो जाने की प्रक्रिया यानी कि पूरे शरीर में जो खून पहुंचाने की प्रक्रिया है ना, वो 120 होना चाहिए, उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब उसी खून को जब हम पूरे शरीर में फिर दोबारा वापस ले जाते हैं, ठीक है, तो उसको डिस्टोलिक कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है जी। मतलब ये है कि आप देखो मोटर आपने चला दिया, ठीक है, तो पानी चला गया टंकी में, और फिर टंकी से आया कहाँ, यहाँ आप जहाँ काम कर रहे हो। उसी तरीके के हमारे शरीर में यहाँ से कहाँ से मतलब हार्ट से, जहाँ दिल है वहाँ से खून क्या होता है, प्योरीफाई होके पूरे शरीर में जाता है। आप पूरे शरीर से फिर वहाँ से रिटर्न होता है, फिर जाके कहाँ आता है, ये बॉक्स मतलब कि इस यहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। मान लो ये हमारा हार्ट है, माने क्या ये हार्ट है ही, ये हार्ट है, इस हार्ट में खून है। अब ये खून यहाँ से ऐसे करके यहाँ आया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, फिर हाथ में आया, और उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, रिटर्न होके अब फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ फिर प्योरीफाई होगा, फिर प्योरीफाई होके फिर हाथों में जाएगा, फिर वापस आएगा हाथों, मतलब पूरे शरीर में जाएगा। तो जाने को कहते हैं सिस्टोलिक और आने को कहते हैं डिस्टोलिक। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपके जब रिपोर्ट यानी कि आपका बीपी चेक करते हैं तो वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 120/80 mmHg। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। आप अगर आपने कभी अगर आपने किसी ने भी अगर डॉक्टर से अपना बीपी चेक कराया होगा तो वहां पे यही चीज लिखा रहता है 120/80 mmHg। अगर आपका नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 120 जो है वो सिस्टोलिक है, 120 है जो वो SYSTOLIC सिस्टोलिक रेट है, यानी कि खून पूरे बॉडी में जाने की आर रेंज है, और आपका जो रिटर्निंग रेट है वो उसको कहते हैं डायस्टोलिक। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक है, तो यही इसका मतलब होता है। और यहाँ पे mmHg क्या है, mmHg का फुल फॉर्म होता है, इसको एक मेजर करने का यूनिट होता है, तो m से होता है क्या मिलीमीटर, मिलीमीटर, और hg से होता है मरकरी, तो पर मिलीमीटर मरकरी इसका रेट होता है 120/80, यानी 120 होना चाहिए सिस्टोलिक और 80 डिस्टोलिक। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अगर इससे ज्यादा खून दौड़ने लग जाए, इससे 120 से ज्यादा, तो भी दिक्कत होगा। और अगर मान लो यहाँ पे जैसे खून यहाँ पे चलना शुरू हो गया, अब एकदम से क्या हुआ, कुछ ऐसे चीज हुआ, जैसे ये पाइप है, जैसे ये पानी वाला पाइप है, ये पाइप है, इसमें हमारा खून जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे जो है पूरे शरीर में ये जा रहा है, ये यहाँ पे ये हाथों में गया, ये ऐसे गया। अब क्या हुआ कि यहाँ से ऐसे खून चलना शुरू किया, शरीर से खून चलना शुरू किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यहाँ पे शुगर बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, इस पाइप को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, यानी इस पाइप को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो ये ब्लॉक करेगा तो यहाँ पे खून जाना ही बंद कर देगा, और जैसे यहाँ पे ये खून जाना बंद करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा। और जैसे ये फट जाता है ना, उसी को कहते हैं हार्ट अटैक आना। क्या आना? हार्ट अटैक आना, यानी कि उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है और उसका हार्ट फट जाता है, पाइप फट जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, इसको क्या कहते हैं, एक्सरे मशीन। क्या? एक्स
रे, एक्सरे, और ये है मशीन, MACHIN E। क्या है डियर स्टूडेंट? ये है एक्सरे मशीन। इससे क्या होता है, हमारे शरीर की इमेज को खींचा जाता है, और वो भी कौन सा इमेज? हड्डियों की इमेज, जो स्केलेटन है। स्केलेटन क्या है? हमारे स्ट्रक्चर, ढांचा जो है, जो हड्डियां हैं, इसकी इमेज खींचा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ये है ना मंगलूलाल, इसका नाम रख देते हैं मंगलूलाल। ये मंगलूलाल यहाँ पे खड़ा है, कह रहा है भैया मेरे डॉक्टर साहब मेरा है ना एक्सरे कर लो। किसका एक्सरे कर रहे हैं? ये छाती का, यानी कि चेस्ट का। ये बेचारा खड़ा हो गया, अब चेक कराने लग गया। तो अब इसका क्या आएगा? रिपोर्ट। क्या आएगा? रिपोर्ट। तो चलो ये भी रिपोर्ट आ गया। अब ये डॉक्टर बाबू यहाँ खड़े हैं और ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कह रहे ले बेटा लल्लू लाल तेरा आ गया रिपोर्ट। तो ये है ना लल्लू लाल का रिपोर्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो रिपोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है? क्या मांस दिखाई दे रहा है? नहीं, खाली हड्डियां दिखाई दे रहा है। तो ये हड्डियों का ही एक्सरे होता है, ठीक है, वो पूरा। और मांस का भी एक्सरे, मतलब कि यहाँ पे जो ये एक्सरे मशीन है ना, एक्सरे मशीन से जो बॉडी है, मान लो अगर कहीं मांस फट गया या कुछ हो गया तो उसकी भी यहाँ पे स्कैनिंग हो जाती है। और हड्डियाँ अगर कहीं टूट गया, मान लो ये हड्डियाँ यहाँ जुड़ा नहीं है, यहाँ पे ये टूट गया, तो ये डॉक्टर साहब कह रहे लल्लू लाल तेरा देख बहुत बढ़िया एक्सरे, कहीं से कुछ नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे भी अलग है ना, यहाँ पे भी ये अलग है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है, डॉक्टर चेक कर लेते हैं कि आपका हाथ टूटा है कि पैर टूटा है या क्या है। मान लो ये पूरा ये ऐसे सटा हुआ है, यहाँ से टूट रहा होता तो डॉक्टर को पता चल जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा एक्सरे का क्या काम है, फोटो खींचना, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, ये कहाँ यूज किया जाता है? हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्हील चेयर। क्या कहते हैं? व्हील चेयर। आप कहोगे इसको व्हील चेयर कहते हैं, ठीक है। तो अब वो वाला जिसपे बैठ के चारों तरफ घूमते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रोलिंग चेयर, ठीक है। अगला देखिए, ये है स्टेयर, स्ट्रेचर कहते हैं इसको। क्या? स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्या होता है? इसी में पेशेंट को यहाँ पे लेटाकर और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास उसको ले जाते हैं पेशेंट को। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? सिरिंज है। क्या है ये? सिरिंज। सिरिंज इसको इस तरह से, इसको स्पेलिंग है, स्पेलिंग देख लीजिए, सिरिंज है। अब ये सिरिंज पहले के ज़माने में, मतलब कि अगर मैं 10 साल 8 साल 10 साल 15 साल पहले की बात करूँ, तो सिरिंज है ना ग्लास का हुआ करता था। किसका? ग्लास का। ग्लास का मतलब क्या है? शीशा। शीशा, शीशा का हुआ करता था, यानी शीशे की हुआ करता था, ठीक है। अब शीशे में क्या था कि यहाँ पे इसमें नीडल डाल देते थे। नीडल, ये वाला यहाँ पे क्या है? यह है नीडल, ठीक है, ये है नीडल, ये है इंजेक्शन लग गया उसको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको कहते हैं नीडल। इसको क्या कहते हैं? नीडल कहते हैं। और इस वाले को सिरिंज कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये है कि कितना डोज देना, यानी कि कितना क्वांटिटी में देना है। मान लो किसी को ना चाहिए इतना, अब उसको लगा दिया इतना दवाई भर दिया, तो फिर बेचारे की तो मौत ही हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये लेवल लगा रहता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? ML लिखा लेता है यहाँ पे, ML, मिली लीटर, ठीक है, इतना उन्हें देना है डोज। ये तो समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये एक प्रश्न ये है कि यहाँ देखो, जब भी सुई, आप देखे होंगे जब भी किसी को सिरिंज लगाता है, इंजेक्शन लगाता है ना, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे दवाई को निकालता है, ऐसे इसको पिस्टन को प्रेस करता है और यहाँ से थोड़ा कुछ बूंद है ना ड्रॉप निकालता है बाहर। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए किया करता है ताकि इसके अंदर, मान लो जब है ना किसी बोतल से इंजेक्शन यानी निकाला जाता है, किसी बोतल से इस सिरिंज के अंदर डाला जाता है, अगर उसमें से अगर इसमें हवा, एयर रह गया, यानी कि मान लो इसके अंदर हवा रह गया, हवा घुस गया, कैसे घुसेगा? यहाँ से इस सिरिंज के जब दवाई खींच रहा होता है तो इसके अंदर हवा घुस गया, तो इसके अंदर हवा रह जाता है। किसके अंदर? ये सिरिंज के अंदर हवा रह जाता है। और अगर इसके अंदर हवा रह गया और आपको इंजेक्शन लगा दिया, सिरिंज लगा दिया, तो उस स्थिति में क्या है कि जहाँ पे भी लगाएगा वहाँ फूल जाएगा पूरा, मतलब कि स्वेलिंग आ जाएगा, वो पूरा मतलब कि स्वेलिंग आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं कि जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो यहाँ से क्या करते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ से दवाई या बाहर निकाल देते हैं ये नीडल के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डॉक्टर ये ऐसा क्यों करते हैं। अगला देखिए, यह है ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या है ये? ऑक्सीजन सिलेंडर। ये क्या होता है ऑक्सीजन सिलेंडर? ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो इसके अंदर ऑक्सीजन फिलअप किया जाता है। अच्छा,
ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ किया करते हैं, एक साथ तो फैक्ट्रियों में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मानव अभी फिलहाल कोरोना काल में मानव के लिए बहुत ही इसे अच्छा उपयोगी है और इसको अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई शरीर किसी का जो बॉडी है, बॉडी का मतलब कि जो आपका हार्ट काम करना थोड़ा स्लो कर दे, यानी आपका जो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, तो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन मास्क, इसको कहते हैं ऑक्सीजन मास्क। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन मास्क। ये ऑक्सीजन मास्क लगा के और इसी इसी यहाँ से इस पाइप, ये जो पाइप देख रहे हो ना, ये इस पाइप के द्वारा यहाँ से ये कनेक्ट कर देता है, यहाँ से इसको कनेक्ट करके और फिर इसी ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से व्यक्ति को सांस मतलब कि देता है, क्या ऑक्सीजन देता है, ताकि व्यक्ति की मौत ना हो, डेथ ना हो। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन का काम। ठीक है, अगला तो ये इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको सारे इक्विपमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ आया है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।